हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम कर रहे हैं एस्टर्न क्लासिक साइंस की चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके आने वाले वीडियो में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों माफी चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि सीबीएसई क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम हुई थी और जिसके वजह से रिजल्ट प्रिपरेशन करने की उसकी ड्यूटी लगी थी हमारी। असिस्टेंट हेड एग्जामिनर के तौर पर मैं अपॉइंट किया गया था तो उसकी भी कुछ काम चल रही थी और बहुत सारे ऐसे काम है जिसके वजह से मैं वीडियो दे नहीं पाया था, तो उसके लिए दोबारा से माफी चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आगे मैं आपको रेगुलर वीडियो देता रहूं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो देता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों देखिए, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज इवापोरेशन? स्टेट वन लार्ज स्केल यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो आपको यहां पर बताना है, दो पार्ट में क्वेश्चंस डिवाइड किया गया है कि इवापोरेशन है क्या और ये इवापोरेशन का लार्ज स्केल में कहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हम जवाब देख लेते हैं। देखिए पहला बीट का जो आंसर है, द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इंटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या है आपकी, कि आपकी जो लिक्विड है, लिक्विड को हम चेंज करेंगे वेपर में या गैस में, तो वो प्रोसेस हो जाएगा हमारा इवापोरेशन। और सेकंड पार्ट में है, इसकी इस्तेमाल कहाँ की जाती है लार्ज स्केल में। तो द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन इज यूज ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। समुद्र के पानी से आपको पता होगा कि सॉल्ट मिलती है हमें, तो ये सॉल्ट समुद्र के पानी से सॉल्ट निकालने का जो तरीका है वो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इस इवापोरेशन प्रोसेस का। ठीक है, ये हमारी सबसे लार्ज स्केल में इवापोरेशन प्रोसेस का यूज होता है। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है, हाउ विल यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। अगर आपको मडी वाटर दी गई है, ठीक है, कीचड़ वाला पानी दी गई है, तो आप वहां से कैसे क्लियर वाटर को आप निकालेंगे, इसका जवाब हम देख लेते हैं। देखिए, वी कैन ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय लोडिंग। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम मडी वाटर से क्लियर वाटर निकाल सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम है लोडिंग। इसमें होता क्या है, लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच आलम पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स ऑफ मडी वाटर। देखिए लोडिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम आलम यानी कि फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, आलम पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल ऑफ मडी वाटर। मडी वाटर में जो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स होती है, जो कीचड़ घूमता रहता है वहां पर, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो डिपोजिट हो जाता है और क्या होता है, दैट वाटर टू मेक हैवी एंड सेटल डाउन रैपिडली। तो जब हम आलम डालते हैं तो कीचड़ के जो सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी का जो पार्टिकल्स होते हैं, वहां पर आलम डिपोजिट हो जाता है, फिटकरी डिपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से वो पार्टिकल हैवी हो जाती है और वो कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाती है, ठीक है, वो नीचे चला आता है। तो इस तरह से हम, और ऊपर में हमारा क्लियर वाटर रह जाता है। तो इस तरह से हम जो मडी वाटर है वहां से हम क्लियर वाटर को डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस। हाउ डज द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस वेरी विद टेम्परेचर। तो यहां पर आपको बताना है, दो पार्ट में फिर से क्वेश्चन है कि आपको सॉलिबिलिटी क्या है यह डिफाइन कीजिए और सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस किस तरह से वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। ये सॉलिबिलिटी जो सब्सटेंस की है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह रिलेशन में है, ये हमें दिखाना है। तो देखिए इसका जवाब, द
maximum amount of substances which can be dissolved in 100 gram of water at a given temperature is known as the solubility of that substances in water. देखो water की solubility अगर देखें तो इसका definitions क्या है? जो maximum amount of substances है, सबसे ज़्यादा amount of substances है जो कि 100 ग्राम वाटर में घुल सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में. टेम्परेचर वेरी करने की बात नहीं की जा रही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितने सब्सटेंसेस घुल सकते हैं उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. तो हम यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर में जितने सब्सटेंसेस 100 ग्राम वाटर में जो सब्सटेंसेस कितना सब्सटेंसेस घुल सकता है वो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंसेस. ठीक है, तो सब्सटेंसेस वेरी करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी वेरी करेंगे. नेक्स्ट जो इसकी सेकंड बिट थी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस इन वाटर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर बढ़ गई तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है. तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24. हाउ विल फाइन सैंड सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल, एक्सप्लेन. आपको फाइन सैंड जो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल रहते हैं वो किस तरह से बड़े पार्टिकल से सेपरेट किया जाते हैं इसे हमको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, 24 क्वेश्चंस में देखिए बहुत ही इजी है. फाइन सैंड इज ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ सीविंग. तो फाइन सैंड जो है जबकि छोटे सैंड पार्टिकल है वो कैसे सेपरेट किया जाते हैं बड़े पार्टिकल से, सीविंग प्रोसेस से. ठीक है, छलनी जैसा छान करके. द कोर सैंड हैविंग लार्जर पार्टिकल एंड पीबल्स इन इट इज पुट ऑन ए सीव कंसिस्टिंग ऑफ ए बिग आयरन मैश हेल्ड इन स्लैंटिंग पोजीशंस. तो आपको पता होगा कि जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट होगी, जहां पर बिल्डिंग वगैरह बन रहे होंगे, वहां पर आप देखे होंगे कि जो प्लास्टरिंग वर्क करने के लिए रूम में जो प्लास्टरिंग की जाती है उसके लिए आपको फाइन सैंड पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है. तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, एक स्लैंटिंग पोजीशन में कुछ मैश होता है, जाली होता है जिसे कि आयरन क्या आयरन की कुछ रड के मदद से उसे बनाया जाता और स्लैंटिंग पोजीशन में रखा जाता है और उसके ऊपर वो जो फाइन आपकी जो सैंड है सैंड को डाला जाता है धीरे धीरे. तो इससे क्या होती है जो फाइन सैंड पार्टिकल्स है वो सीप के दूसरी ओर चले जाती है और हमारे जो पीबल्स होते हैं और बड़े बड़े सैंड पार्टिकल होते हैं वो छलनी में छन के एक तरफ रह जाते हैं. तो इस तरह से हमें फाइन सैंड पार्टिकल मिलती है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड सीड एंड पाउडर कॉमन सॉल्ट. तो आपको अगर मस्टर्ड सीड और कॉमन सॉल्ट की पाउडर दी गई है तो आप किस तरह से उसे सेपरेट करेंगे, ये बहुत आसान है. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी विल टेक ए ग्लास फुल ऑफ वाटर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लास पानी लेंगे. देन वी विल पुट द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड सीड एंड पाउडर कॉमन सॉल्ट इन टू द वाटर. फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो मिक्सचर दी गई है मस्टर्ड सीड की और कॉमन सॉल्ट पाउडर उसे हम पानी में घोल देंगे. इसके बाद क्या करेंगे, वी विल मिक्स इट वेल एंड देन पाउडर कॉमन सॉल्ट विल बी डिजॉल्व. तो जब हम उसे मिक्स करेंगे अच्छे से तो पाउडर कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट पता है आपको कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो सॉल्ट पानी में घुल जाएगा एंड द मस्टर्ड सीड विल बी लेफ्ट और ऊपर से आपकी जो मस्टर्ड सीड है वो हमें मिल जाएंगे. तो इस तरह से हम मस्टर्ड सीड और कॉमन सॉल्ट की पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. हाउ इज स्क्रैप आयरन सेपरेटेड फ्रॉम ए हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल इन फैक्ट्रीज. तो आपको पता होगा फैक्ट्रीज में जो स्क्रैप आयरन है, स्क्रैप माने जो कचरा आयरन के जो टुकड़े वगैरह हैं, ठीक है, फैक्ट्री में यूज होने के बाद जो बच जाते हैं, तो ये हमें कैसे प्राप्त होगा इसके हमको बताना है आपको. ठीक है, हाउ इज द स्क्रैप आयरन सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल. बहुत सारे कचड़ों की जो ढेर लगी होती है वहां पर आयरन मटेरियल्स की जो स्क्रैप है उसको हमें कैसे सेपरेट करना है. तो जहां आयरन की बात आती है वहां पर आपका मैग्नेट की बात जरूर आएगी. तो देखते हैं इसके आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 26. इन फैक्ट्रीज स्क्रैप आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग द बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फील्ड टू ए क्रेन.
तो देखिए आपको फैक्ट्रीज वगैरह में जो स्क्रैप आयरन है वो किस तरह से सेपरेट किया जाती है, जो कचड़ों की ढेर से, हमारी किसकी मदद से, बाय यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, बहुत ताकतवर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वजह से, ठीक है। और ये कहाँ पर फिट होती है, आपकी जो क्रेन होती है ना, मशीन हैवी लोड को उठाने का काम करती है, कभी कभी ट्रक वगैरह या बड़े व्हीकल जब पलटी हो जाती है तो उसे उठाने का काम करती है ये क्रेन, हैवी व्हीकल्स वगैरह को उठाती है, हैवी लोड को उठाती है। तो क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट होता है और उसके वजह से हमारे फैक्ट्रीज वगैरह में जो आयरन की स्क्रैप है उसे हम सेपरेट करते हैं, तो कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27। ए कप ऑफ टी इज सेट टू बी मिक्सचर, नेम इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। देखिए एक चाय की जो कप है, एक कप चाय है उसे हम मिक्सचर कहते हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि इसकी जो वेरियस कंपाउंड्स है मिक्सचर की वो क्या क्या है। तो यहां पर देखिए इसका भी हम जवाब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दो बीट है, बीट ए और बीट बी, तो पहले मैं बीट ए को ही बताता हूं उसके बाद बीट बी बताऊंगा। तो देखिए एक कप ऑफ टी इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, तो एक चाय की जो कप है वो एक मिक्सचर है, ठीक है, जो चाय है कप में वो एक मिक्सचर है, किस चीज की मिक्सचर है, सच एज वाटर, सबसे पहले तो वाटर होती है, टी होती है, चाय की पत्ती होती है, लीव्स एक्सट्रैक्ट होती है, जो हम जिसे हम की तेज पत्ता वगैरह कहते हैं, तो लीव एक्सट्रैक्ट होती है, तुलसी के पत्ते हो सकते हैं, तेज पत्ता हो सकते हैं, और शुगर एंड मिल्क, तो ये तो कॉमन है चाय में शुगर एंड मिल्क, तो ये सब कंपोनेंट्स है हमारे चाय की, ठीक है। अब बीट बी को हम देखते हैं, चलिए बीट बी में क्या है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द प्रोसेस बाय व्हिच टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्रीपेयर्ड टी। तो चाय बनाने के बाद चाय से चाय की पत्ती को जो निकाला जाता है उस निकालने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ये इसका देख लीजिए हमारा बीट बी का आंसर, द यूज टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्रीपेयर्ड टी बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आपको पता होगा कि चाय की पत्ती को चाय से अलग करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये तो कॉमन हमने सभी को हमने देखा हुआ है, ठीक है, कि चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए हम एक फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन द टर्म सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो यहां पर दो चीज को डिफाइन करना है, सबसे पहले एक सेडिमेंटेशन क्या होती है और वो डिकेंटेशन क्या होती है, तो चलिए इसका भी हम जवाब देखते हैं। देखिए 28 का बीट ए, सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन क्या है वो देखते हैं, ठीक है, तो सेडिमेंटेशन क्या है, द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो आपकी पानी में या कोई भी सॉल्वेंट में, ठीक है, जो कचरा जमा होकर रहता है, कचरा होता है, तो वो धीरे 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 जब कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो एक बार और देखिए, द डिपोजिशन ऑफ द सॉलिड मैटर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, किसी भी कोई मिक्सचर में, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर में जो कचरा होता है वो धीरे 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 कचरा जब नीचे कंटेनर के बॉटम में बैठ जाती है उसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर डिकेंटेशन क्या है इसे भी हम डिफाइन करेंगे, द पोरिंग आउट ऑफ ए लिक्विड फ्रॉम ए वेसल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। वही दूसरी ओर जब सेडिमेंट हो जाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जब कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं तो ऊपर की जो पानी होती है या क्लियर वाटर होती है उसे हम जब हल्के से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं और वो सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। आई होप इसे भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, Which of the two will dissolve more sugar, cold water or warm water and why? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, इससे पहले हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में बात किया था ना, इसके पहले कुछ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया और थोड़ा एनलार्ज करके बताया गया कि which of the two will dissolve more sugar, आपकी कोल्ड वाटर या वार्म वाटर, इन दो वाटर में
किसमें ज्यादा सुगर डिसॉल्व होगा और क्यों। आपको मैंने बताया था कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इसका जवाब क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका भी जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वार्म वाटर विल डिसॉल्व मोर सुगर बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस इन वाटर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इससे आपको क्या पता लगा कि वार्म वाटर जो है वो ज्यादा सुगर को घुल सकता है, उसमें घुल सकता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस इंक्रीजेस व्हेन द क्या टेम्परेचर इज इंक्रीजेस। तो इसका मतलब वार्म वाटर में ज्यादा सुगर घुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हाउ विल यू सेपरेट देम फ्रॉम द मिक्सचर। अगर आपको आयरन फिलिंग्स मतलब कुछ आयरन के छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं और सल्फर के पाउडर दिए गए हैं, ठीक है, तो इस मिक्सचर में आप कैसे इन दोनों को सेपरेट करेंगे। तो देखिए इसका जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, इन ऑर्डर टू सेपरेट आयरन फ्रॉम सल्फर, अगर हमको आयरन फिलिंग्स को सल्फर से अलग करना है तो हम क्या करेंगे, ए हॉर्स शू टाइप ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मिक्सचर। एक हॉर्स शू टाइप के जो मैग्नेट होते हैं उसे हम लेंगे और ये जो हमारे मिक्सचर के सरफेस में हम उसे घुमाएंगे, तो क्या होगा इससे, द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो इससे होगा क्या कि जो आयरन फिलिंग्स होगी वो ऑटोमेटिकली आयरन में हमारे जो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी, एंड द क्लिंग टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। देखिए, और वो जो मैग्नेट की पोल होती है, पता है मैग्नेट की दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और पोल में ज्यादा पावर होती है ना, तो इसलिए वो पोल्स में चिपक जाएंगे आयरन फिलिंग एंड गेट सेपरेटेड, और इस तरह से हम उसे सेपरेट कर लेंगे और हमारी जो सल्फर पाउडर है वो नीचे रह जाएगी और हमारे आयरन फिलिंग्स मैग्नेट में चिपक जाएगी। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं हमारे सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स को। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन द टर्म थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो आपको दो चीज डिफाइन करनी है, एक थ्रेशिंग और एक विनोइंग, ये होती क्या है इसे चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेशिंग क्या है। तो यहां पर देखते हैं व्हाट इज थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। तो देखिए, थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिसमें की स्टॉक्स जो पेड़ के छोटे छोटे डाली होती हैं, ठीक है, दैट आर बीटन टू सेपरेट द ग्रेन्स, ग्रेन से अनाज से सेपरेट किया जाते हैं फ्रॉम द स्टॉक्स एंड फ्रॉम द चैफ, चैफ मतलब जो भूसा वगैरह होता है उसे, फ्रॉम द चैफ दैट कवर्स द ग्रेन। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, थ्रेशिंग वो तरीका है जिसमें कि जो डंठन होती है पेड़ के, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं दाल के हो गए, पल्सेस के हो गए, तो इसमें वो डंठन को पीटा जाता है, ठीक है, जिसके वजह से वो ग्रेन्स और स्टॉक्स अलग हो जाते हैं और भूसा जो होते हैं उससे भी ग्रेन्स को अलग किया जाता है, ये होता है हमारा थ्रेशिंग प्रोसेस। वही दूसरी ओर अगर देखें हम तो विनोइंग क्या है, विनोइंग प्रोसेस क्या है, देखिए, विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड। देखिए, विंड की मदद से, हवा की मदद से विनोइंग वो तरीका है जिसमें कि हस्क होते हैं जो भूसा वगैरह होते हैं डाली होती है, ठीक है, वो ग्रेन से अलग किया जाता है हवा की मदद से, उसे हम विनोइंग कहते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट वन यूज ऑफ द मेथड ऑफ विनोइंग। अब विनोइंग तो हम डिफाइन कर लिया, लेकिन एक यूज बताइए कि विनोइंग कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें भी देखिए ए है और एक बी, ए और बी दो क्वेश्चन है, तो पहले हम ए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए क्वेश्चन क्या है, देखिए, द मेथड ऑफ विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन्स लाइक द व्हीट, राइस एटसेट्रा। तो ये विनिंग प्रोसेस कहां इस्तेमाल किया जाती है, टू सेपरेट द हस्क, जो लकड़ी के छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, भूसा होते हैं, वो अलग किया जाता है हमारे ग्रेन से, जैसे कि आपकी व्हीट हो गई, राइस हो गई, इसमें से जो भूसा होते हैं ना, जिसमें अनाज नहीं होते हैं, ऐसे धान भी होते हैं, तो ऐसे चीजों को अलग किया जाता है विनोइंग प्रोसेस में। होप आप ये देखे भी होंगे, ठीक है।
इसकी बी क्वेश्चन बी हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बी यहां पर क्या बताया गया, गिव वन यूज ऑफ द हैंड पिकिंग मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हैंड पिकिंग से किसी मिक्सचर को अलग किया जाने का एक एग्जांपल आप बताइए कि कहां पर हैंड पिकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके जवाब हम देख लेते हैं। देखिए द मेथड ऑफ हमारा बी क्वेश्चन बी है ना, तो द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजुअली यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस सच एज स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम द व्हीट राइस एंड पल्सेस। तो हैंड पिकिंग प्रोसेस यूजुअली आमतौर पर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, टू सेपरेट द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, हमारा अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को अलग करने में। जैसे कि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस मतलब क्या है, पीस ऑफ स्टोन्स, जैसे कुछ आपको कोई पत्थर के टुकड़े हैं, कंकड़ हैं, इसको हम व्हीट यानी कि गेहूं से, राइस यानी कि चावल से, पल्सेस यानी कि दाल वगैरह से, जो हम छोटे छोटे कंकड़ को अलग करते हैं, मिट्टी के टुकड़े को अलग करते हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस से हम इस्तेमाल करते हैं, हैंड पिकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया डे टू डे लाइफ में हैंड पिकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। आपको यहां पर तीन मिक्सचर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सॉल्ट मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है और आयरन फिलिंग्स मिला हुआ है। यस, इसको आप किस तरह से सेपरेट करेंगे, तो देखिए ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट सैंड एंड आयरन फिलिंग्स वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए इस तरह से आप क्वेश्चन से ही ये लिख दिया कीजिएगा ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो और टीचर आपको अच्छे से मार्क दे। देखिए लिखने का तरीका क्या है, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये तो हमारे क्वेश्चन में है, कॉमन सॉल्ट सैंड और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर को हम जो नीचे लिखे गए तरीकों से अलग कर सकते हैं। तो ऐसे आप पहले हेडिंग अगर कर दोगे तो बहुत बेटर रहेगा, उसके बाद बीट वाइज आप उसे बताते जाइए कि कैसे आप पहला स्टेप क्या होगा आपका, दूसरा स्टेप क्या होगा। तो ऐसे क्या होगा, टीचर को क्लियर आइडिया लग जाएगा आपके बारे में, आपके आंसर्स बहुत अच्छे लगेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहला तरीका देखिए, मैंने बीट वाइज बना दिया है। ब्रिंग ए मैग्नेट नियर दिस मिक्सचर सेवरल टाइम, तो आपको जो मिक्सचर दी गई सॉल्ट सैंड और आयरन फिलिंग्स, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस मिक्सचर के आसपास मैग्नेट को बार बार घुमाएंगे। ऑल द आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, तो इससे होगा क्या, आयरन फिलिंग्स होगा वो उसकी नेचर है कि मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, एंड गेट सेपरेटेड, और उससे वो सेपरेट हो जाएगा। वी आर देन लेफ्ट विद ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, तो अब आयरन फिलिंग्स अगर निकल गई तो बाकी दो मिक्सचर बचे जैसे कि सैंड और कॉमन सॉल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सैंड एंड स्टायर्ड। उसके बाद हम जो हमारे दो मिक्सचर बच गए, अब आयरन फिलिंग्स तो सेपरेट हो गई, अब हमारे पास बचे हैं सॉल्ट और सैंड, तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी देके उसे हम घोल देंगे। कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, तो कॉमन सॉल्ट का ये क्या उसका प्रॉपर्टी क्या है कि वो वाटर में घुल जाती है, तो कॉमन सॉल्ट नेचुरली जब हम पानी डाल के उसे घोलेंगे तो वो घुल जाएगा टू फॉर्म ए सॉल्ट सॉल्यूशन, जिससे कि सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। वेयर एज सैंड रिमेन्स अनडिजॉल्व, उसके बाद क्या होगा, सैंड हमारे पास अनडिजॉल्व होके बिना घुले रह जाएंगे और हमारा जो सॉल्ट और वाटर की एक अलग मिक्सचर बन जाएगी और सैंड सेपरेट हो जाएगा। ऑन फिल्टरिंग सैंड इज ऑब्टेन्ड एज ए रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, उसके बाद हम उसे छलनी के मदद से फिल्टर पेपर के मदद से अगर फिल्टर करेंगे तो हमारा रेसिड्यू के तौर पे हमारा सैंड निकल आएगा फिल्टर पेपर में, एंड सॉल्ट सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एज फिल्ट्रेट, और सॉल्ट सोल्यूशन जो बचेगा वो फिल्ट्रेट के तौर पे हमें मिल जाएगा। देखिए ये दो चीज यहाँ पर है, एक होता है रेसिड्यू और एक फिल्ट्रेट, तो जो छलनी के ऊपर रह जाती है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं और छलनी के जो पार चली जाती है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, और रेसिड्यू क्या हो जाएगा, हमारा सैंड। क्लियर है, बड़े क्लास में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रोसेस होगा बीट नंबर 4, देखिए मैंने पूरा बीट बना के आपको बताया हुआ है, तो लास्ट तरीका हमारा क्या रहेगा, अब हम सेपरेशन के लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। द सॉल्ट सॉल्यूशन इज एवापोरेटेड व्हेन
प्योर कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। उसके बाद क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन जो होते हैं सॉल्ट सॉल्ट इज एवेपोरेटेड व्हेन प्योर कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। जब सॉल्ट सॉल्यूशन में हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एवेपोरेट करेंगे तो हमारा जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट हमारा बच जाएगा। दिस मिक्सचर हैज बीन सेपरेटेड बाय यूजिंग 3 मेथड ऑफ सेपरेशन। ये हमारा 3 मेथड का इस्तेमाल किया गया इस सेपरेट ये जो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में। जैसे कि पहला तरीका हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन हुआ, उसके बाद हम जिसमें कि आयरन फिलिंग्स को अलग किए थे, फिल्ट्रेशन हुआ जिसमें कि हमने जो वाटर को अलग किए थे, उसके बाद सॉल्ट एवापोरेशन हुआ जिसमें हम पानी को एवापोरेट किया और सॉल्ट को हमें मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो तीनों सब्सटेंसेस है वो सेपरेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, नेम द मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट। यहीं पर देख लीजिए आप, हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए। जैसे कि सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, सैंड और वाटर की मिक्सचर दी गई है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो पता है आपको सैंड तो घुलती नहीं है, हाँ अनडिजॉल्व होकर रहती है वाटर में, तो ये आसानी से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम इसे अलग कर सकते हैं। फिल्टर करेंगे तो रेसिड्यू के तौर पर सैंड हो जाएगी और फिल्ट्रेट के तौर पर वाटर हो जाएगी। ठीक है, छलनी से पार हो जाएगा वाटर और सैंड जो है हमारा ऊपर बच जाएगा। तो इस तरह से हम फिल्ट्रेट करके हम सेपरेट कर सकते हैं सैंड और वाटर की मिक्सचर को। नेक्स्ट है आयरन नेल्स फ्रॉम द सॉडस्ट। सॉडस्ट जो लकड़ी का गुंडा होती है उसमें अगर आयरन नेल्स मिला हुआ है तो आप इसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, जहां पर आयरन की बात आ रही है वहां पर आपका मैग्नेट की बात आएगी। तो आयरन नेल्स और सॉडस्ट जो है हमारे लकड़ी के गुंडा और आयरन की नेल्स आयरन की कील्स अगर मिक्स हो गई है तो उसे हम कौन सा प्रोसेस से सेपरेट करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू ज्वेलर्स सेपरेट द पियर्स ऑफ डिफरेंट साइज। तो ये जो हमारे ज्वेलर्स है, ज्वेलर्स किस तरह से हमारी जो मोती होती है डिफरेंट डिफरेंट साइज की मोती होती है उसे कैसे सेपरेट करते हैं। तो 35 का हम आंसर देख लेते हैं। देखिए, ज्वेलर सेपरेट द पियर्स ऑफ डिफरेंट साइज बाय द मेथड ऑफ सीविंग। तो छोटे छोटे मोती जो होते हैं उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, ज्वेलर्स जो होते हैं वो किस तरह से सेपरेट करते हैं उसे, हमारे मेथड का नाम है शीविंग। शीविंग प्रोसेस से वो ज्वेलर्स जो होते हैं छोटे छोटे पियर्स पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल द इम्प्यूरिटी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सेवरल सब्सटेंसेस रिमूव्ड इन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर सवाल क्या है, किस तरह से जो इम्प्यूरिटी ऑफ आयरन, आयरन की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है सेवरल सब्सटेंसेस में इंडस्ट्री वगैरह में, तो इसे कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिये इसका तरीका क्या है, बाय द मेथड ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ओर थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन एंड हाइड्रोलिक वॉशिंग। देखिए, तो यहाँ पर जो आयरन की आपकी जो वेस्ट है वो किस तरह से फैक्ट्री में सेपरेट किया जाता है, तो ये प्रोसेस थोड़ा दो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है हमारे कंसेंट्रेशन ऑफ ओर थ्रू द मैग्नेटिक सेपरेशन, पहला तरीका, एंड सेकंड हो जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो चैप्टर में भी इसके बारे में क्लियरली बताया गया। तो इस तरह से दो प्रोसेस से हम हमारा सेपरेट कर सकते हैं जो आयरन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है फैक्ट्री वगैरह में। ठीक है, इसे हम सेपरेट करने का काम करता है कौन सा प्रोसेस, एक हो जाता है हमारे कंसेंट्रेशन ऑफ ओर थ्रू द मैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरा जो तरीका होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था उसे हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इस चैनल में एनसीईआरटी की बुक की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आपको आपकी एस चंद बुक की फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगी चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी बुक की आपको जितने भी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन है वो भी मिलेंगे और एस चंद बुक की भी जो एक्सरसाइज की सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। मतलब क्लासिक्स की आपकी दोनों ही बुक जो एस चंद है और एनसीईआरटी बुक्स की आपकी सारी थ्योरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर वाइज, उसकी क्वेश्चन आंसर सारा डिटेल्स आपको इस चैनल में मिलने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।